छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। बता दें कि अभियान के पहले दिन सिरगिट्टी के गोठान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों द्वारा वृक्षारोपण किया गया, तो वहीं गोठान समिति द्वारा सुबह से ही गोठान में गड्ढे खोदे गए थे, जिसके बाद कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी की शहर अध्यक्ष उज्ज्वला कराड़े समेत कई दिग्गज लोगों ने वृक्षारोपण किया। बता दें कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान जिले के पत्रकार और फिल्म निर्देशक कृपाशंकर शर्मा कार्यक्रम में उपस्थित अभ्यागतों ने वृक्ष रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि वृक्ष रथ पूरे जिले में 1 जून 5 जून तक भ्रमण करेगी और घर और आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण करने वाले लोगों को घर पहुंचा सेवा देगी। वृक्ष रथ 5 जून तक पूरे जिले में भ्रमण करेगा और पर्यावरण का संदेश देकर वृक्षारोपण के लिए आमजन को प्रेरित करेगा। मैम बताएंगे, आज वृक्षारोपण कार्यक्रम में आप शामिल हुए, किस तरह से कार्यक्रम था? जी, आज 5 तारीख को जो विश्व पर्यावरण दिवस है, उसके लिए हम अभी से शुरुआत कर रहे हैं। आज हमने वृक्षारोपण का शुरुआत किया है। ये पूरे ज़िले में वृक्ष लगाए जाएंगे, जो कि हसदेव अरण्य के लिए, जो हम आम आदमी पार्टी के लोग लगे हुए हैं उसको बचाने के लिए, उसके लिए एक कड़ी ये भी है कि वृक्ष लगाए जाए। इसके लिए हमारे मीडिया साथी भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। किस तरह से कार्यक्रम रहेगा, क्या क्या होगा? जी, ये आज से ये शुरुआत हुई है और ये 5 तारीख तक पूरे ज़िले में हर जगह वृक्षारोपण किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने पे जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही उसे सहेजने के काम भी किए जाएंगे, उसे पानी देना, उसे सिर्फ लगा के छोड़ना नहीं होगा, उसे पानी देना और उसे बचाना, इसके लिए पूरी जाली लगा के जानवरों से बचाने का भी काम।